हेलो थ्रियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहिए। तो पिछला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी कुछ हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लेकिन वो सब मैं बताऊँ उससे पहले लाइक से सब्सक्राइब मार दो फटाक से यार, ज़्यादा टाइम नहीं है, वेस्ट मत किया करो। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया है, कमेंट भी जाकर कर दो, फिर कुछ अच्छा सा कमेंट करना। तो चलो अब आते हैं पिछले एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आप लोगों को बता देता हूँ, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि जियो याओ को अपनी हेल्प के लिए एग्री करा लेता है और इसके बाद वो लोग पहुँचते हैं गुइसू माउंटेन की तरफ। गुइसू माउंटेन में होते हुए वो लोग वहाँ की पॉइजनस मिस्ट से निपटने का एक तरीका भी खोज लेते हैं। पता नहीं कौन सा तरीका था, लेकिन था। देन हमने देखा था जॉन कहता है, देखो पैट्रियट तुम यहीं रुको, अपन अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या मामला है। जिसपे पैट्रियट जो भी आखिरकार समझ जाते हैं कि भाई जियोयान की सिचुएशन सही नहीं है, वो अंदर गए तो बोझ ही बनेंगे, इसलिए कहता है ठीक है भाई तू जा, मैं यहीं हूँ, लेकिन जिंदा वापस लौट के आइयो। जिसपे जॉन कहता है ठीक है। साथ ही बीच में वो कुछ चीज़ें भी बताता है, कैसे ये गेट मिला, कैसे चाबी आबी, कौन सा क्लेन मेंबर मर गया, कुछ ऐसा भी जो अपने पिछले एपिसोड में देखा है। देन हम देखते हैं अंदर पे ग्रीन मॉन्स्टर्स, वो जो काफी क्वांटिटी में होते हैं, जियोयान को अपनी क्वांटिटी का फायदा बनाकर घेर लेते हैं, बट क्या पेल दिए जाते हैं, क्योंकि जियोयान का ग्रुप भी खतरनाक था भाई, शेर के सामने बब्बर शेर मिल गया। साथ ही यहाँ पे इन्हें पेलने की पूरी स्ट्रेटजी होती है नॉन एरिमिंग की, जिसके पास पॉइजन था। साथ ही जियो झान ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा झंडाटेदार अपने पंच बढ़ाए हुए होते हैं, जिसके बाद हम देखते हो कि वहाँ पे अपेयर होते हैं कुछ बीस्ट जिनका नाम था रॉक वार बीस्ट, काफी स्ट्रांग थे। और जियोयान उनसे फाइट करते हुए पिलर भी जाता है और इंजर्ड हो जाता है। जहाँ ले सालों उन्हें पिल खिलाते हैं, कहते हैं भाई तू साइड में रह, तू ज्यादा उड़ी में मत रहे, क्योंकि 5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के बीस्ट थे। जहाँ दूसरी तरफ जियो जान उनसे फाइट कर रहा होता और उसके बैरियर को वो तोड़ भी नहीं पा रहे होते बीस्ट। तो ये एपिसोड मैं वहीं एंड कर देता हूँ। इसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट होता है, जैसे वहीं से कान में ईयरफोन घुसे लो, कुर्सी की पेटी बांध लो और आ जाओ एपिसोड पे। तो चलो जियोयान को प्रोटेक्ट करते हुए ले सालोंग बैटल सिचुएशन को देखते हैं और अपनी फाइटिंग स्किल्स को एक्टिवेट करते हैं। इस टाइम पे वो किसी भी टाइम पे अटैक करने के लिए रेडी थे। इस टाइम पे आसमान के ऊपर पहले ही घने काले बादल घिर चुके होते हैं और साथ ही साथ ये काफी तेजी से घूम भी रहे होते हैं। साथ ही इन बादलों के कारण चारों तरफ तूफान भी काफी खतरनाक तरीके से बह रहा होता है, जो कि चीजों को टुकड़ों में नष्ट करने की पावर को भी रखे हुए था। साथ ही इस तूफान के अंदर जो भी चीजें आ रही होती हैं वो धूल में बदल जाती है, जैसे मानो वो प्रभु के अंदर विलीन होना चाहती हैं और यहाँ पे हेवन और ह्यूमन एक साथ एक होना चाहते हैं। दूसरी तरफ ग्रेट हैमर बीस्ट को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। साथ ही एक हाई लेवल के बीस्ट के तौर पर खतरे को फील करने की जो इसकी सेंस थी वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग थी, उनसे वीक तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वो बीस्ट तुरंत ही फुंकारने लगता है और अपने पैरों से जमीन को रौंदते हुए अपने बड़े से सिर को हिलाने लगता है और काफी बेचैन होता है। दूसरे ले सालों और बाकी लोग भी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जायंट हैमर बीस्ट की बॉडी से रेड लाइट साइन हो रही थी और उसका जो बॉडी था वो तेजी से सूज रहा होता है। साथ ही उसकी बॉडी जो कि एक छोटे से पहाड़ के बराबर थी फूलती जा रही होती है और साथ ही साथ उसकी आंखें ब्लड रेड होती जा रही होती हैं। साथ ही वो अपनी हैमर टेल को जहां भी घुमा रहा होता है टुकड़ों में जमीन टूटती जा रही होती है। तभी ले सालोंग तुरंत ही कहते हैं, नहीं, ये हैमर बीस्ट खून का प्यासा हो चुका है, इसने अपनी बुद्धि खो दी है, इसीलिए वे अपने ब्लड एसेंस को जलाकर अपनी पावर को बढ़ा रहा है हम सभी को मारने के लिए, जियो जान सावधान। और ऐसा कहते हैं जींग भी तुरंत ही आगे आ जाती है, नॉन एरमिंग वो भी अपने कोहरे को आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस बीस्ट की पावर 5 स्टार के लेट स्टेज के करीब पहुंच गई थी। साथ ही यहाँ पे ले सालोंग तुरंत ही कहते हैं, तुम सभी को पता होना चाहिए, वो तुरंत ही बता दे कि तुम सभी को पता होना चाहिए कि बीस्ट उसी लेवल के ह्यूमन से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो उनकी पावर और भी हाई लेवल पे हो जाती है। जानवर हमारी तरह कभी हो ही नहीं सकते भाई, हम लालची हैं, हरामी हैं, कमीने हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, लालची हैं, मजाल जो जानवर में एक भी गुण मिल जाए ऐसा जानवर इंसान जैसे नहीं बन सकते। इस टाइम पे हैमर बीस्ट अपने दिमाग को पूरी तरीके से खो चुका होता है और अंधाधुंध हमला कर रहा होता है, जिससे तो उसके जो साथी होते हैं वो भी इंजर्ड हो रहे होते हैं और यहाँ पे बाकी लोग भी इंजर्ड हो रहे होते हैं। दोस्तों नॉन एर्मिंग की मिस्ट को तो उसने पूरी तरीके से इग्नोर मार दिया था कि अभी तो मुझे कोई मतलब नहीं। साथ ही ये बीस्ट इतना ज्यादा बौखला गया होता है कि सीधा तूफान के डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है कि तुम चूजों को नहीं मारूंगा, मैं तूफान को पेलूंगा। दूसरा ले सालोंग तुरंत ही कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें खुद को बचा के रखना और इस तूफान से बचने के लिए टाइम को बचाना है। और ऐसा कहते वो तुरंत ही अपने माथे से ठंडे पसीने को हटाते हैं, जो देखकर जियो झान तुरंत ही गोल्ड हाउलिंग टाइगर को एक बार फिर से अपेयर करता है, जो कि पावरफुल तरीके से रोर अटैक करता है और इसकी सोनिक वेब अटैक की पावर के कारण जो हैमर बीस्ट होता है उसकी भी स्पीड धीमी हो गई होती है और आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। और इसी टाइम का फायदा उठाकर जियो जान तुरंत ही थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेता, क्योंकि उसे पता था एक ही टाइम पे 12+ रॉक बीस्ट का सामना करना बिल्कुल बेवकूफी है। साथ ही साथ स्पेस में भी ट्रेवलेशन हो रहे होते हैं और इस टाइम पे तो स्टॉर्म के सामने बिल्कुल भी नहीं, और इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है जैसे आसमान में भूकंप आ गया हो, स्पेस ढह रहा होता है और स्पेस में क्रैक्स क्रिएट हो रहे होते हैं।
साथ ही स्पेस के क्रैक होने के कारण चारों तरफ ब्लैक डार्कनेस हो जाती है और यह ब्लैक स्टॉर्म की तरह लग रहा होता है। साथ ही बिजलियों के तड़कने की आवाज आ रही होती है, आसमान कांप रहा होता है, धरती कांप रही होती है। और इस टाइम पे ये स्टॉर्म इतना खतरनाक होता है कि पली भर में रॉक बीच को कुछ भी एक्शन लेने का टाइम मिलता है उससे पहले ही वो वर्टेक्स स्टॉर्म उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। तभी हर कोई बड़े जायंट हैमर बीस्ट को हवा में लटके हुए देखा तो उनकी तो सांसें थम गई होती कि इतना पावरफुल बंदा इतनी आसानी से स्टॉर्म के अंदर फंस गया। साथ ही स्टॉर्म के अंदर बीस्ट की बॉडी को फाड़ कर फेंक दिया जाता है। तभी सभी लोग फैंग फैंग की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह फैंग फैंग का पावरफुल अटैक 9 लेयर डांस था जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिससे तो हर कोई हैरान रह जाता है कि वास्तव में यह अटैक इतना पावरफुल था, कितने पावरफुल बीस्टों को भी ऐसे उड़ा दिया। जिसपे जियो जान तुरंत कहता है अगर फ्यूचर में मेरा सामना फैंग फैंग जैसे आधे पागल इंसान के साथ होता है तो मैं निश्चित तौर पर अपनी बैटल स्किल्स को पहले से ही रेडी रखूंगा ताकि ये अपनी बैटल स्किल को सो ना कर पाए। तभी जियांग भी जियो जान की तरफ देखते हुए कहता है ये सही है, ये बहुत डरावना था। 1 दर्जन से भी ज्यादा 2-5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के बीस्ट इतनी आसानी से मर गए। और इसके बाद वो जियो जान की तरफ आगे बढ़ते हुए जियो जान की चोटों को देखती है तो जान तुरंत ही कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन ये स्टॉर्म वास्तव में खतरनाक था, क्या ये वास्तव में फेंग फेंग का अटैक था? और ऐसा कहते हुए जान तारीफ भी करता है फेंग फेंग की। तभी वो कहती है ये बस मैजिकल कोर अब इसी के हाथों लगने वाले हैं और ये स्टॉर्म भी इसने क्रिएट किया है, लगता है इस स्टॉर्म से इसे काफी प्रॉफिट मिलेगा। तभी जियो जान कहता है वैसे इस पूरे बीस्ट की बॉडी हमारे काम आ सकती है, तो स्टॉर्म को कंट्रोल करो और इस पूरे बीस्ट की बॉडी को बचाने की कोशिश करो। तभी नान एर्विंग भी कहता है 5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल का मैजिकल कोर, हुर्रे, जिससे हर कोई चिल्लाने लगता है और खुश होने लगता है और हंसने लगता है। अभी वास्तव में ये लोग लाइफ और डेथ से बच के निकले थे, जहाँ ये बंदा वास्तव में मैजिकल कोर के बारे में चिंता था तो उन्हें लगता है कि ये बंदा अभी भी पैसे के लिए इतना लालची कैसे हो सकता है। तभी नान एर्विंग कहता है अरे भाई मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं इनकी एनर्जी को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। तभी ले सावलोंग कहता है अरे चिंता मत करो, तुम्हें काफी सारे कोर्स मिल जाएंगे, आखिरकार हमारे यंग मास्टर जी हमारे साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करते। ये सुनकर तो जियान भी हैरान हो जाता है कि वास्तव में ऐसा है क्या। और अब जियान को लगता है वो अकेला नहीं है जैसे मैजिकल कोर की जरूरत है, क्योंकि अब ये टीम है तो उसे ये मैजिकल कोर सब में बराबर बांटने पड़ेंगे और सारे रिसोर्सेज को एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जियान इन सभी कामों में थोड़ा सा कच्चा था, इसीलिए उसे सिर दर्द फील होता है कि कैसे बांटूंगा, क्या हिसाब लगाऊंगा। हालांकि नान एर्विंग ने अभी बोलना बंद ही किया था कि तभी 1 दर्जन से ज्यादा ब्लैक शैडोज जमीन में गिरती हैं और बिल्कुल मेटोरॉइड की तरह लग रही होती हैं, चारों तरफ ब्लड की स्मेल होती है। साथ ही हैमर बीच जहां जहां गिरे होते हैं काफी गहरी गहरी खाइयां बन गई होती हैं। तभी यह देखते हुए सबको ही कहता है हाँ हाँ ये रिकॉर्ड बुरा नहीं है और इस देखते ही देखते स्टॉर्म गायब हो जाता है। साथ ही दर्जनों हैमर बीच जो कि अनबीटेबल लग रहे थे पहले ही पूरी तरीके से खून से लथपथ होते और कई टुकड़ों में टूट कर मर चुके होते हैं। तभी जिंग तुरंत इन बीस्ट के खोपड़ियों को खोलते हुए उनके मॉइस्चर कोर्स को निकालने लगता है। साथ ही यह बीस्ट जिन्होंने अचानक से गुस्से के कारण अपने ब्लड एसेंस को जलाना स्टार्ट कर दिया था उसके कारण जो कोर था उसकी क्वालिटी भी काफी इंक्रीज हो गई थी और पावर भी काफी बढ़ गई थी, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ जियो जान इन बीस्ट की खाल उतारने लगता है क्योंकि ये खाल पावरफुल आर्मर्स के काम आ सकती थी। तो दूसरी तरफ नान एर्विंग वो साला ब्लड एसेंस निकालने लगता है, उसे पता था कि ब्लड एसेंस काफी काम आ सकता है और काफी पिल्स में भी यूजफुल हो सकता है 5 स्टार मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस। और जियान के ऑर्डर के तहत सभी को पता था स्किन भी अच्छी है, 5 स्टार का ब्लड भी काफी अच्छा और इसकी तो पूरी बॉडी अच्छी है। साथ ही इस बीस्ट के ब्लड एसेंस को अर्थ एट्रीब्यूट ब्लड एसेंस माना जा सकता था जो मैरो पिल के लिए भी जियान के लिए काफी यूजफुल हो सकता था और पर्पल हार्ट पिल के लिए भी। जिसके बाद जियान के बाकी सभी लोग कहते हैं इस बार तो अच्छा खासा कल्टीवेशन हो गया, इतने रिसोर्सेज से तो हम माला माल हो सकते हैं। जिसके बाद जियो जान तुरंत ही कहता है मैं यंग मास्टर जियो से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम जानते हैं आप काफी ब्रेव है लेकिन प्लीज फ्यूचर में आप कभी भी ऐसे आगे मत आइएगा, आप खतरों को हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं और अगर कोई खतरा है तो साथ में चलें लेकिन अकेले नहीं। तभी जियान कहता है मैं तुम्हें इसे सहन करने दूं, मैं कायर नहीं हूं, साथ ही ये मेरे को पसंद भी नहीं है, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। और ऐसा कहते हुए जियान जियो जान के कंधे को थपथपाते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और यह सुनकर तो सभी के दिल मेल्ट हो जाते हैं कि बस ऐसा ही तो लीडर चाहिए जो पैरों की जूती नहीं दोस्त और भाई समझे, हर किसी की परवाह करे, पावर कम होते हुए भी ये ना कहे कि तुम आखिर जाके उससे लड़ो बल्कि साथ में आगे बढ़े। हालांकि जियान पर्याप्त मजबूत नहीं था लेकिन सच में वो काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद सूरज बेस्ट डायरेक्शन में अस्त हो जाता है और रात गहरी हो जाती है जिससे जियान और बाकी सभी लोग टूटी हुई दीवार के सामने झुककर रात में आसमान के ऊपर तारों को देख रहे होते हैं और दिल में तरह तरह की फीलिंग्स होती हैं। जहाँ जियान कहते हैं ये जगह कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता, ये कितनी बड़ी है हमें ये भी नहीं पता, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम जो ढूंढना चाहते हैं वो हमें मिलता है या नहीं ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें खतरों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
जिसमें ले सावलोंग भी जोयान की तरफ देखते हुए तुरंत ही अपना सिर हिलाता है, क्योंकि स्पीड सील मॉस उन्हें अभी तक नहीं मिली थी और खतरे पहले ही काफी खतरनाक थे। उन्हें नहीं पता था कि अगर वो और डीप एरिया में गए तो कितने खतरनाक खतरे होंगे। साथ ही जोयान और बाकी सभी लोग को समझ में आ गया था कि यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसीलिए सभी लोग रात में आसमान की तरफ तो देखते हैं लेकिन आग नहीं जलाते, क्योंकि आग की रोशनी के कारण यहाँ पे और भी परेशानियां अट्रैक्ट हो सकती थी। साथ ही जहाँ पे रुके हुए होते हैं वो ब्राउन कलर की रेत से ढकी हुई पूरी की पूरी प्लेस होती है। साथ ही टूटी हुई दीवारों के कारण ये खंडहर ऐसा लग रहा होता है कई वर्षों से ये रेत के स्टॉर्म के कारण बर्बाद हो चुका था। हालांकि वो लोग अपने अपने बारे में सोच ही रहे होते हैं लेकिन तभी आवाज आती है जेंग की और वो तुरंत कहता है देखो वो क्या है, और एक्साइटेड होकर कांपते हुए सामने की दीवार के कोने पर एक शैडो की तरफ इशारा करता है। जेंग जो थी वो क्लिंक में काफी अच्छी थी, साथ ही शैडो को फील करने और पता लगाने में वो और भी ज्यादा वेस्ट थी। तभी जोयान जेंग के फिंगर की तरफ इशारे को देखता है तो आप ब्लैक कलर के पर्पल रेड ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा चुपचाप उसकी आंखों में दिखाई देता है, जिससे जोयान का दिल थोड़ा सा हिल जाता है। तभी जोयान उसके पास जाता है तो उससे हल्की सी स्मेल आ रही होती है और ये देखकर जोयान तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है लिंगिन मॉस। जिस चीज को ढूंढना जोयान को वाकई मुश्किल लग रहा होता उसे उम्मीद नहीं थी, उसे ढूंढने के लिए उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो उसे यहाँ पे मिल जाएगा। जिससे जोयान खुश होता तो सभी लोग हैरान होते हुए कहते क्या ये लिंगिन मॉस है, हाई लेवल की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, इसकी तो कोई स्पेशल एट्रीब्यूट ही नहीं है, यहाँ तक कि इसकी स्मेल भी 3 फीट से ज्यादा दूर तक नहीं जा रही, हम तो इसे सच में नहीं ढूंढ पाते। साथ ही जॉन को याद था पहले उसे केवल एक टुकड़ा मिला था लेकिन उसे यहाँ पे पूरा का पूरा झाड़ मिल गया होता है। हालांकि बीस्टों को मारने के बाद वो इस हिडन प्लेस में आ गए थे लेकिन उन्हें यहाँ पे ये चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि तभी सभी लोग कहते हैं ये लिंगिन मॉस है क्या, जिसमें जियो जान तुरंत कहता है ये लिंगिन मॉस बिल्कुल नॉन एर्मिंग की तरह बिल्कुल यूजलेस चीज है, कोई काम की नहीं। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान होते हैं, नॉन एर्मिंग की तरफ देखते हैं जो थोड़ा सा उदास होते हुए एम्बेरस होते हुए हंसने लगता है। तभी जिंग कहता है कम से कम नॉन एर्मिंग काफी अच्छी है और कम से कम वो इतनी सुंदर है कि बाकी की लड़कियों को जेलिसी तो फील होती है, हाँ बस उसका बिहेवियर थोड़ी कोल्ड है। दरअसल जो नॉन एर्मिंग उसका चेहरा बिल्कुल जेड व्हाइट होता है, आंखें स्टार की तरह, और अगर वो एक लड़की के कपड़े पहनती तो वो निश्चित तौर पर सभी लड़कों की जान ले लेती। तभी जो जान कहता अगर ऐसा होता है तो वास्तव में इसका पीछा करने वाला और इसके पीछे पड़ने वाला पहला पर्सन मैं ही होता। मुझे ये बताओ साला इसमें लड़की नॉन एर्मिंग है कि जी इंग है, मैं लड़की को ही भूल गया कि था कौन, राइटर ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। जी इंग तो एक मोटा आदमी है मुझे लगता है, किसी को याद है क्या बता देना अगर हो तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में पीछे जाके देखूंगा। तभी नॉन एर्मिंग जो यान के पास जाते हुए कहते हैं तो ये स्पिरिचुअल सील मॉस का एक टुकड़ा है, साथ ही वो काफी खुश भी होता है। तभी जॉन कहता है निश्चित यहाँ पे बहुत सारी स्प्रेड मॉस है और भी यहाँ पे होनी चाहिए, हमें यहाँ पे और ज्यादा चीजें ढूंढनी चाहिए। साथ ही जॉन काफी एक्साइटेड था और अपने एक्साइटमेंट को छुपाने में कैपेबल नहीं होता। तभी हर कोई को ले सावलोंग कहते हैं यहाँ पे जल्दी से खोज मारो और ढूंढ मारो कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं। हालांकि रात अंधेरी थी लेकिन 5-स्टार डाउडी लेवल के बॉयर के ऊपर इसका घंटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था और सभी लोग एक सेफ डिस्टेंस में चारों तरफ का देख रेख करने लगते हैं और कुछ ही टाइम के अंदर सभी को लिंगिन मॉस मिल जाती है और इस टाइम पे सभी ने अपने अपने हिस्से से लिंगिन मॉस उठा ली होती है और जियान को काफी ह्यूज क्वांटिटी में ये मिल गई थी, जिससे जियान और बाकी लोगों की थकान पहले ही दूर हो जाती है और वो काफी खुश हो जाते हैं कि अरे मिल गया। यंग मास्टर जी ओके ये काफी है, अगर ये काफी नहीं तो हम और भी ढूंढते हैं, और ऐसा कहते हुए जेंग मजाक करता है, साथ ही वो काफी खुशी भी दिखाई देता है। तभी नॉन एर्मिंग भी पॉइजनस फॉग को अपनी बॉडी में अफेयर करता है, साथ ही उसका चेहरा इतना क्यूट होता है कि लड़कियां उससे जेलिस हो सकती थी और वो इम्प्रेशन लेस हो जाता है। तभी जोयान कहता है ठीक है बस और परेशानी मत करो, इतना काफी है, और जोयान को मुट्ठी भर स्प्रेड सील मॉस मिल गई होती है। जिसके बाद जोयान फॉरेस्ट की तरफ देखता है तो वहाँ पे कभी कभी कुछ फीकी लाइट साइन होती हुई दिखाई दे रही होती है, जिसका मतलब तो वहाँ पे कुछ तो पावरफुल है। साथ ही सभी लोग वहाँ पे देखते हुए कुछ ना कुछ तो अननोन चीज को फील कर रहे होते हैं। तभी जोयान अपने दिल में सोचता है कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए, लेकिन अंदर बहुत सारे खतरे होंगे और हो सकता है कोई पावरफुल बीस्ट आ जाए जो पलक झपकते उसकी टीम को मार दे, साथ ही उसे लिंगिन मॉस मिल चुकी है तो वो बाहर भी जा सकता है, लेकिन जोयान अनिच्छुक होता है क्योंकि ये मौका हो सकता है उसे दोबारा ना मिले। और अंदर आकर वो अगर बाहर चला गया और बिना पूरे जंगल को घोजे हुए तो हो सकता था कि ये चीज़ जोयान की जिंदगी में हमेशा ही बनी रहे कि अंदर क्या था। इसलिए जोयान दिली दिल में काफ़ी संघर्ष करता है कि उसे क्या करनी चाहिए। तभी जोयान की बॉडी से एक व्हाइट लाइट निकलती है जो हवा में घूमते हुए हर कोई एक्शन ले पाता उससे पहले ही गायब हो जाती है, जिसके बाद ओल्ड जान की आवाज आती है जिससे जॉन काफी एक्साइटेड हो जाता है और ओल्ड जान कहते हैं लड़के तुमने तो इस बार काफी ज्यादा यूजफुल चीजें उठा ली हैं, साथ ही अभी मैंने यहाँ पे किसी स्काई फायर को भी फील किया है, कुछ पावरफुल थी वो, ये भी काफी अनबीटेबल है। तभी जॉन कहता है मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, और जॉन काफी क्यूरियस होते हुए पूछता है लेकिन मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा कि वो क्या है। तभी जान लाओ कहते हैं मैं वास्तव में नहीं कह सकता छोटे साथी कि तुम इतने ज्यादा लकी कैसे हो सकते हो, बस इतना समझो कि इस बार तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो,
साथ ही मैंने अभी इस चीज को अभी फील किया, इसीलिए मैं खुद को बाहर टावर के बाहर लाने से रोक नहीं पाया। और वहाँ पे एक सच में एक स्काई फायर है, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रहा कि उसे स्काई फायर रैंकिंग में कौन सी रैंकिंग पर रखा गया है। तभी जुआन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वास्तव में क्या ऐसा है। तभी ओल्ड जान कहते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें स्पिरिट सील भी मिल जाए। लड़के तुम्हें पता होना चाहिए कि तीनों चीजों को अब्सॉर्ब करने के बाद तुम अपने फ्लेम मंत्र को अपग्रेड कर सकते हो। और ऐसा कहते हुए जान लाओ हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, आगे क्या होने वाला है ये तुम पर डिपेंड करता है, तो तुम जाओ और अपने फ्रेंड्स को समझाओ, मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मेरी तरफ तो बिल्कुल भी मत देखो। तभी जान अपने आपके सिर को उठाते हुए हर किसी की तरफ देखता है तो कहता है, तुम सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हो। तभी अचानक एक व्हाइट लाइट साइन होती है और वो तुरंत ही गायब भी हो जाती है। तभी सभी लोग कहते हैं, हमें पता नहीं आपके पास कितने सीक्रेट्स हैं। दूसरी तरफ जुआन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इन्हें क्या समझाए, कि ओल्ड जान ने क्या कहा। साथ ही जुआन ओल्ड जान की आइडेंटिटी को यहाँ रिवील भी नहीं करना चाहता था, इसलिए जुआन अपने सिर के पिछले हिस्से को हिलाते हुए और खुजलाते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए एम्बेरस होता है। तभी ले सालोंग स्माइल करते हुए कहता है, यंग मास्टर जियो को एम्बेरस ना करें, उनके पास कोई भी सीक्रेट नहीं है, शायद ये यंग मास्टर जियो का कोई गुप्त विश्वास पात्र पर्सन होगा। ले सालोंग ने जो कहा वो सुनकर सभी लोग हंसने लगते और कहते हैं, ये सही था गुरु। साथ ही उन्हें पता था कि हर किसी के अपने अपने सीक्रेट होते हैं, और क्योंकि जॉन उन्हें नहीं बता पा रहा था तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। तभी जॉन कहता है, अभी एक बात है और मैं चाहता हूँ आप सब इस पर फैसला करें। और इसके बाद काफी कॉन्फिडेंट तरीके से जॉन अपना मन बनाते हुए सभी को देखता और कहता है, जॉन कहता है, यहाँ पे दो चीजें मुझे फील हुई है जो एक ही कोई पॉइंट में एक साथ है, और ये काफी रेयर भी है क्योंकि ये दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। पहला स्प्लिट सील, और इसके अलावा मुझे लगता है वहाँ एक स्काई फायर भी होनी चाहिए। साथ ही एक टाइम पे जहाँ पे ये चीजें एक साथ हैं, मुझे लगता है वो जगह खतरनाक भी होगी। साथ ही खतरा काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे या घर वापस जाना चाहेंगे। जिसके बाद जुआन आगे कहता है, हालांकि स्काई फायर और स्प्लिट सील काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन स्प्लिट सील वो चीज है जिसकी मुझे तत्काल जरूरत है। साथ ही जुआन इस चीज के लिए अपनी टीम की जान को जोखिम में कभी नहीं डाल सकता था। इस टाइम पे जो यान के चेहरे के इम्प्रेशंस को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि स्प्लिट सील मॉस, जिसके बारे में उन्होंने नहीं सुना था, यही वो चीज होगी जिसे जुआन ढूंढने आया था। साथ ही भले ही वो नहीं जानते थे कि स्प्लिट सील जुआन किस लिए चाहता था, क्योंकि जुआन एक एल्केमिस्ट था, उन्हें यह भी पता था कि जुआन के लिए स्काई फायर भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस टाइम पे जुआन स्प्लिट सील और स्काई फायर दोनों ही अजीब चीजों को पाने का चांस छोड़ सकता है, वो केवल सिर्फ अपने फ्रेंड्स और सबऑर्डिनेट्स के लिए है। और ये सोचकर तो सभी लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वास्तव में जान उनके बारे में इतना सोचता है। साथ ही वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और दिल फीलिंग से भर जाता है कि अगर उनका लीडर ऐसा है तो उनके लिए तो वो हजार बार मरने के लिए तैयार हैं। इसीलिए सभी लोग अपना सेह लाते हुए जो यान के सामने छाती तान के खड़े हो जाते और कहते हैं, मैं यंग मास्टर जियो को फॉलो करने को तैयार हूँ, और यंग मास्टर के रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी मैं उन सभी को दूर करने को तैयार हूँ। अगर गॉड भी यहाँ मुझे रोकने के लिए आते तो मैं उन्हें भी रोक दूंगा। हालांकि ये प्लेस काफी खतरनाक है, लेकिन मैं अपनी मौत तक लड़ूंगा और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। ले सालोंग की बात को सुनते हुए सभी की आंखें कमिटेड तरीके से आग की तरह जलने लगती है, जिसके बाद सभी लोग कहते हैं, इस टाइम पे तो भले ही हमारे सामने ड्रैगन का पूल हो या कि बाघ की मांद, हम बिना सोचे समझे आपके लिए उससे फाइट करने को तैयार हैं। सभी को पता था कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में पावरफुल बनना है और ग्रोथ करना है तो उन्हें लाइफ और डेथ के बैटल तो लड़ने ही पड़ेंगे। आखिरकार कौन सा ऐसा पावर हाउस था जो सिर्फ कल्टीवेशन करके बिना एक्सपीरियंस के और बिना फाइट किए ही सुप्रीम पोजीशन पे पहुंच गया हो। साथ ही फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हर कोई बिना किसी डर के तैयार था। दूसरी तरफ इसी टाइम पे हमें जो मेंशन दिखाया जाता है, जहां पे एक सुंदर सी फिगर एक कमरे के अंदर आगे पीछे घूम रही होती है, डेस्क के ऊपर लाल मोमबत्ती जल रही होती है जिसमें उसका अट्रैक्टिव चेहरा और भी अट्रैक्टिव लग रहा होता है, और ये जेनी होती है, हमारी ग्लैमरस ब्यूटीफुल ब्यूटी क्वीन जेनी। और इस टाइम पे जोयान के चले जाने के कारण जेनी के दिल में हो रही होती है बेचैनी। साथ ही जॉन ने ग्रीन एस्पेड बीस्ट का सामना किया और इसके बाद रॉक बीस्ट का सामना किया, लेकिन इस टाइम पे जेनी भी सीरियस थी। उसे नहीं पता था कि क्या ये रीजन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के कारण है या फिर इसलिए क्योंकि वो लड़की है या फिर प्यार की बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि जेनी चाहती थी कि वो और चिंता ना करे, लेकिन ये चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है। वो बस चाहती थी कि जॉन उसके सामने आ जाए और बोले, मैं ठीक हूँ। साथ ही कोई भी चीज उसे शांत नहीं कर पा रही होती, इसलिए जेनी तुरंत ही कहती, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए, और वो खुद से ही बड़बड़ा रही होती है। उसके गुलाबी होंठ उसके दांतों के बीच फंसे हुए होते हैं। दूसरा उसे हिडन प्लेस के ऊपर जो यान आसमान के ऊपर जहां तक देख सकते थे केवल रात की एक मोटी स्याही छाई हुई होती है। साथ ही यह जगह हजारों मील तक फैली हुई होती है, आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रात का। तभी जान कहता है, ले सालोंग कहता है, अगर हम इसी तरीके से खोजते रहे तो हम में से कुछ लोग अपनी पावर के साथ कुछ महीनों तक भी स्काई फायर और स्प्लिट सील को नहीं खोज पाएंगे। तभी जो यान भी अपना सेल आते इतने बड़े प्लेस को देखता है, कुछ टाइम के लिए तो वो भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जी इंग की तो नजर रात में काफी ज्यादा तेज होती है।
इसीलिए वो सभी लोगों को लीड करने का फैसला करता है कि बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। तभी आगे बढ़ते उनको एक काफी ऊंचा आसमान तक छूने वाला पहाड़ दिखाई देता है जिसका पीक लेवल वो देख ही नहीं पा रहे थे। ये पाताल को आसमान को चीर कर ऊपर जा रहा होता है। तभी जींग इसके ऊपर की ओर इशारा करता है, कहता है ऊपर कुछ तो स्टोन्स की इमारतें हैं, जो देखकर ले सालों कहता है इस डेसोलेट एरिया के ऊपर हो सकता है कि कोई एशियन पैलेस हो जो कि यहाँ का मेन सिटी रहा हो। तभी जान कहता है शायद यही वो जगह हो जहाँ पे स्काई फायर और स्पिरिट सील है। और ऐसा कहते हैं जान की आंखें साइन होने लगती है और जान कहता है चलो चलते और चल कर देखते हैं। जैसे भीड़ तुरंत ही जान की तरफ सिर लाते हुए ऊपर की तरफ उड़ जाती है। साथ ही माउंटेन के ऊपर जो कि एक एशियन पैलेस था वो काफी ऊंचा था और काफी बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है। साथ ही इसे पहाड़ पर बनाया गया था लेकिन हवा के कारण ये रेत से डूबा हुआ होता है। साथ ही रेत के कारण ढके हुए होने के कारण ये बड़ी मुश्किल से लगभग समतल हो गया होता है। साथ ही सिटी की जो वॉल थी बिल्कुल एक मेटल की तरह काफी स्ट्रांग होती है। साथ ही मेन सिटी के एंट्रेंस गेट के ऊपर एक बड़े से बीस्ट का सिर लटका हुआ होता है जो कि 200 मीटर का होता है, जो कि एक कॉपर के गेट पे लगा हुआ होता है जो लोगों के दिल में बेचैनी को पैदा कर सकता था। साथ ही उस बीस्ट के सामने चार ऑब्जेक्ट रखे गए थे और हर एक एशियंट ऑब्जेक्ट की जो लंबाई थी वो 20 से 30 मीटर थी। साथ ही ये लोहे के हुक थे और चांदी के स्ट्रोक जो काफी लग्जीरियस लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहीं पे ले सालोंग एक एशियंट इंक्रिप्शंस को रीड करते हुए कहता है निर्वाणा एल्यूजन। और इसके बाद वो उन चार एशियंट इंक्रिप्शंस और पात्रों को देखते हुए कहता है लगता है इन्हें बहुत टाइम पहले एशियंट टाइम पे लगाया गया था और मुझे नहीं पता ये कितने सालों से ओरिजिन में है। तभी जॉन भी कहता है तुम सही कह रहे हो, आज के ये जो वर्ड है ये आज के कंपैरिजन में इनके फॉन्ट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और हार्ड है, साथ ही यही एक रियल इंट्रेंस गेट होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जो जान भी अपनी भुवें चढ़ा लेता है और कहता है हम ये किस तरीके की जगह पे आ गए, चलो अंदर चलकर देखते हैं शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तभी फेंग फेंग हैरान होते हुए कहता है रुको भाई, अभी अभी हमने जो कुछ भी डिजास्टर फील किया वो केवल इस निर्वाणा एल्यूजन के बॉर्डर पर थे, अंदर सोचो कितने खतरनाक झटके हो सकते हैं, कम से कम इससे तो ज्यादा ही खतरनाक होंगे। जब सभी लोग फेंग फेंग की बात सुनते हैं तो यहाँ तक तो जींग और बाकी सभी लोग भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हो सकता है कि यहाँ पे रहना थोड़ा सा और कठिन हो। तभी ले सालों अपनी मुट्ठियों को भीजते हुए कहता है यंग मास्टर जी अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तभी जॉन कहता है यहाँ तक आने के बाद क्या हम वास्तव में पीछे हट सकते हैं। तभी जॉन कहता है हर कोई एक सेफ डिस्टेंस को क्रिएट करो और आगे बढ़ो। जिसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और पूरे रास्ते धुएं के बादल छाए हुए होते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ रहे होते हैं और काफी अलर्ट होते हैं। साथ ही काफी रोमांचक तरीके से जगह को एक्सप्लोर करने के लिए सभी के दिल में काफी अलग अलग एक्साइटमेंट थे तो कुछ डर भी होता है। तभी जींग जो कि अचानक से एक जगह की तरफ देखते हुए कहती है देखो वहाँ पे काफी सारे मैजिकल कोर हैं और ये लड़की हमेशा ही कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीजें देखती ही रहती थी। जिसके बाद वो फाउंटेन के पास एक छोटे से एरिया की तरफ इशारा करती है जहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी दीवार की तरह हड्डियों का ढेर होता है और वहीं पे काफी सारे स्प्रेड कोर बिखरे हुए होते हैं। ये देखकर ले सालोंग तुरंत कहता है ये स्थान वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे बीस्टों को डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, या मॉन्स्टर्स का ग्रेवयार्ड भी हम इसे कह सकते हैं, और हजारों या कि सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स और बीस्टों को दफनाया गया होगा। अफसोस की बात है कि इस जगह का साइज बड़ा नहीं है। और ऐसा कहते हुए सभी लोग कहते हैं यंग मास्टर जियो आप तो सच में काफी लकी हैं। और सभी लोग मॉन्स्टर कोर्स की तरफ पहुंच जाते हैं और उन सभी कोर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। साथ ही इन कोर्स को प्राप्त करने के बाद इतनी आसानी से उन सभी ने देखा था इनमें से ज्यादातर 5 स्टार के थे, जैसे सभी लोग काफी खुश होते हैं। साथ ही इस टाइम तक आसमान में पहले ही अंधेरा था और आसमान तारों से बंधा हुआ होता है, लेकिन इस जगह की सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ पे आधी जगह पर लाइट थी और आधी जगह पर अंधेरा, जो देखकर तो सभी लोग काफी हैरान होते क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखना काफी मुश्किल होता है। तभी जो जान कहता है ये जगह सेल्फ क्रिएटेड प्लेस होना चाहिए, यहाँ पे हमारे डाउडी कॉन्टिनेंट के जैसे मून नहीं है इसीलिए यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है। ये देखकर जॉन तुरंत कहता है हर कोई अलर्ट रहना और कोई भी मिस्टेक नहीं करना। जिसके बाद जॉन भारी कान से गेट कॉपर गेट को धक्का देकर ओपन करता है और वो गेट ऐसे ओपन हो रहा होता है जैसे कोई काफी लंबी हिस्ट्री ओपन होने वाली हो और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जिसके अंदर का एरिया काफी बड़ा होता है और ऊपर नीले पत्थर से बने हुए दीवारें लटकी हुई होती हैं। साथ ही ये दीवारें एशियन डिजास्टर के टाइम के सीन को दिखा रही होती हैं और टुकड़े टुकड़े में टूटी हुई होती हैं। साथ ही यहाँ पे बैटल ऑरा और फाइट के निशानों को भी देखा जा सकता था। साथ ही बैटल के टाइम के काफी सारे पैटर्न्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया था जिन्हें देखकर हर कोई हैरान होता है क्योंकि ये पैटर्न और इमेजेस बिल्कुल रियल लग रही होती है और ये देखकर तो वास्तव में कोई आर्टियर या कि पेंटर वास्तव में उदास हो सकता था कि ये पेंटिंग वास्तव में इस लेवल तक क्रिएट की जा सकती है, जिससे हर कोई हैरान होते हुए कहता है एशियन टाइम के लोग सच में कितने ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद हर कोई आगे बढ़ने लगता है और इन इमेजेस और चित्रों को देखने लगता है जिसमें पूरे रास्ते फाइट के जंग के दाग भी लोग देख रहे होते हैं। जिसके बाद इस गेट के बाहर निकलने के बाद सभी के सामने एरिया खुल जाता है और गिरी हुई दीवारें सभी को दिखाई देने लगती हैं। साथ ही इन गिरी हुई दीवारों के ऊपर हरियाली जमी हुई होती है और हल्का सा ठंडा ऑरा चारों तरफ फैला हुआ होता है।
तभी नानर्मी एक ढही हुई दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ खोपड़ी डली हुई है जिसके बाद उनसे ज्यादा दूर नहीं और बालू के ऊपर आधी स्नो व्हाइट खोपड़ी दिखाई देती है, जो करीब से निरीक्षण करने पर देख सकते थे कि इसकी हड्डी पहले ही लगभग खराब हो चुकी थी। साथ ही इस हड्डी के अंदर काफी गोल गोल छेद होते हैं, जैसे लग रहा होता है किसी वेपन से इसे छेदा गया हो। जिससे जॉन कहता है, ये जगह तो काफी मिस्टीरियस, अननोन और खतरनाक है। साथ ही यहाँ पे वेल ऑफ वाइन्स चारों तरफ बिल्कुल एक नेट की तरह गुथी हुई होती है। तभी जो जॉन अचानक से कहता है खतरा और अपनी ओरिजन क्विक को तुरंत ही अनलेस कर देता है और एक शील्ड क्रिएट करते हुए व्हाइट टाइगर को अपेयर करके सभी को कवर करता है। तभी नान एर्मिंग भी हैरान होते हुए कहता है, वो सामने क्या है। इस टाइम पे उन्होंने अपने सामने एक ब्लैक लहरदार शैडो को देखा होता है, लेकिन वो अच्छे से नहीं देख पाए थे। साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि ये 50 लोगों से भी ज्यादा लोग हैं। साथ ही वहाँ से तीर बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे होते हैं। हालांकि ये तीर सौभाग्य से इनकी पावर काफी ज्यादा पावरफुल नहीं थी और जियो जान की डिफेंस शील्ड के कारण ये जो एरो होते हैं उन्हें रोक दिया गया होता है। जिसके बाद एक साथ सभी लोग सांस लेते हुए धीरे धीरे ब्लैक शैडोज बाहर आती हैं, तो उनके सामने के जीवों के घोड़े जैसे चार खुर होते हैं और बॉडी को कवर करने वाली आड़ी तिरछी जेब्रा क्रॉसिंग की तरह लाइन होती है। मोटी पूछ जो पीछे लगातार घूम रही होती है, लेकिन उनका ऊपरी शरीर इंसानों की तरह होता है, जिसके दो हाथ होते हैं और हाथों में धनुष बाण होते हैं तो किसी के हाथ में भाला होता है। साथ ही उनका चेहरा मुखौटे से ढका हुआ होता है और सिर नीचे किए होने के कारण उनका कोई भी सिर नहीं देख पा रहा होता। साथ ही ये काफी ज्यादा होशियार भी लग रहे होते हैं, क्योंकि तीर और कमान को ये लड़खड़ाते हुए अटैक कर रहे होते तो डॉच करना भी जान रहे होते हैं, जिससे कोई भी फील कर सकता था कि इनकी बुद्धि तेज है। तभी ये देखकर जीन कहता है, ये क्या ये सेंटोर हो सकता है जो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर ईस्ट फॉरेस्ट में दिखाई देता है। तभी ले सोलोंग कहते हैं, नहीं, डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर दिखाई देने वाला सेंटोर तो सिर्फ 3-स्टार डाउडी लेवल का मॉन्स्टर है प्रेजेंट टाइम पे, ये कम से कम 5-स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल पर है। ऑक्सन हाउस के हेल्पिंग मैनेजर होने के नाते वो काफी सारे मैजिकल कोर्स से फेमिलियर था और वो काफी सारे बीस्टों के बारे में भी जानता था। जिसके बाद ले सोलोंग कहता है, ये एशियन टाइम में फेमिलियर और फेमस सेंटोर बिचेस होनी चाहिए जिनके चेहरों पे मुखौटों को देखा जाता था। ये स्वाभाविक तौर पर सेल्फ क्रिएटेड है। सेंटोर विच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, लेकिन ये काफी ह्यूज ग्रुप में आती हैं और काफी होशियार भी होते हैं। इनके पास कुछ मैजिकल स्पेल होते हैं, जादू टोना टाइप, जो कि उनके पावर को इंक्रीज करते हैं। साथ ही ये काफी मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है और इन्हें काफी बड़ा सिरदर्द माना जाता है। हालांकि ले सोलोंग से सभी लोग सुनने के बाद जब ये सुनते हैं कि इनके पास 5-स्टार की स्टार्टिंग लेवल की पावर, तो सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। तभी ले सोलोंग कहते हैं, इस तरीके के बीस्ट की पावरफुल स्पीड होती है, लेकिन इनका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए हर किसी के डिफेंस के साथ नान एर्मिंग और जीइंग इसे रोक सकते हैं। और ऐसा कहते हुए जीइंग तुरंत ही जब यह सुनता तो उसके डबल ब्लेड तुरंत ही उसके हाथों में साइन होने लगते हैं। हालांकि जब सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते, तभी उन सेंटोर बीचेस के मुखौटों से अचानक ही एक ऑरा निकलता है और उनकी बॉडी को कवर करता है और उनके हाथों में जाते हुए बोझ से अचानक ही सैकड़ों लाइटिंग एरोस निकलने लगते हैं। ये देखकर ले सोलोंग तुरंत ही कहते हैं, अच्छा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है और हजारों तीर एरो उनकी तरफ एयर में ट्रेवल होते हुए आ रहे होते हैं। साथ ही ये तीर बिल्कुल एक लाइन से आ रहे होते हैं, जहाँ पे एक तीर हिट कर रहा होता है दूसरा तीर भी वहीं पे हिट कर रहा होता है और कंटिन्यू तीर के अटैक के कारण ये तीर जो जान की शील्ड को भी चीरते हुए अंदर की तरफ आने लगते हैं और एक एरो तो जो यान की तरफ बढ़ जाता है, जिससे जॉन के माथे में लगभग सिर दर्द होने लगता है और ये जॉन के सिर से 10 इंच दूर होता है कि जॉन को लगभग मौत फील हो गई थी। तभी सभी लोग कहते हैं, वास्तव में इन सेंटोर बीचेस की तो बुद्धि काफी तेज है, इन्होंने पता लगा लिया कि हमारा लीडर जोयान है और उसकी ताकत सबसे कम है, इसीलिए वास्तव में वो उसे टारगेट पे ले रहे हैं। और क्योंकि हमारा यंग मार्शल जियो के साथ ब्लड कनेक्शन है, अगर उनकी डेथ होती है तो हम लोग भी मारे जाएंगे। साथ ही हम हमेशा ही अपने दिल में गिल्टी फील करेंगे कि हम उन्हें कभी भी अच्छे से नहीं बचा पाए। साथ ही हम वास्तव में हाई लेवल के बीस्टों से बच के आ गए हैं और हमें उम्मीद नहीं कि हम वास्तव में स्टार्टिंग लेवल के बीस्टों का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उनका ओपोनेंट इतना पावरफुल होगा, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें अपने ओपोनेंट को कम नहीं आंकना चाहिए था, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा लग रही थी कि इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरा स्टैम्प जियो मेंशन के अंदर लाल डेस्क के अंदर जेनी कागजों और कुछ जरूरी कामों के लिए झुकी हुई होती है। अचानक ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, साथ ही लंबे टाइम से उसके दिल में जो बेचैनी थी वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगती है। दिल फड़कने लगता है, दिल में दर्द होने लगता है, साथ ही उसके दिल में अचानक से दर्द होता है जैसे कि उसका दिल चीर रहा हो कोई, और उसे लग रहा होता है कि शायद ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के कारण पैदा हुआ है। जिससे जैनी तुरंत ही अपना सिर उठाती है और आंखें साइन होती है, जिससे वो तुरंत ही कहती है, ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ऐसा हो सकता है कि जॉन को कुछ हुआ है। जैनी अचानक से घबरा जाती, वो बिल्कुल अपना बैलेंस खो देती है, उसकी सांसें अनजाने में तेज हो जाती है, सीना ऊपर नीचे होने लगता है, जिसके बाद जैनी तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ उड़ने लगती है जहाँ से उसे ये ऑरा सेंस हो रहा होता है, और तुरंत ही कहती है, अगर किसी ने भी उसे हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो फिर मैं भी नहीं जीना चाहती। इस कुछ दिनों के दौरान किंग हौरान और काफी सारे एल्डर्स जियो मेंशन में नहीं थे,
और जेनी के पास उनका इंतजार करने का भी टाइम नहीं था। वो बस प्रार्थना कर सकती थी कि जॉन और बाकी सभी लोग ठीक हो, और वो उसी डायरेक्शन में दौड़ रही होती जहाँ से उसे ये ऑरा फील हो रहा होता है। साथ ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को फील करके वो जियान की लोकेशन को भी लॉक कर लेती है। साथ ही जेनी को अपने दिल में काफी गिल्टी फील हो रहा होता कि आखिरकार वो जियान के साथ क्यों नहीं गई। साथ ही उसे काफी नफरत हो रही होती है खुद से। उसे अपने दिल में काफी पहले से ही पता था कि जहाँ पे स्पिरिट सील मॉस होगी वो जगह नॉर्मल तो नहीं हो सकती। वो बस जल्दी से जल्दी जियान को ढूंढना चाहती थी। साथ ही उसने अपने दिल में डिसाइड कर लिया था कि वो बस अब जो यान के साथ ही जिएगी और उसी के साथ ही मरेगी। हालांकि तभी जो यान के सामने वो तीर पहुंच जाता है और जियान तो आंखें बंद कर लेता कि बस अब मरने वाला हूं। लेकिन तभी अचानक एक गोल्डन लाइट साइन होती है जिससे जियान की बॉडी पे खून फैल जाता है और वो पीछे की तरफ उड़ जाता है, जिससे हर कोई निराश होता है कि बस जो यान मर गया और जो यान को एरो लग गया और बस अब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की सजा उनको मिलने वाली है। लेकिन तभी सभी लोग वहां पे देखते हैं कि जो यान की बॉडी के जस्ट सामने गोल्डन टावर तैर रहा होता है जो एक वॉल को क्रिएट किया हुआ होता है और उसके पीछे जियान जोर जोर से हांफ रहा होता है, जिससे तो सभी लोग कहते हैं हे भगवान यंग मास्टर जियो को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। सभी क्या के इंटरेस्टेड तरीके से जियान को हैरानगी से देख रही होती है। सभी को पता चला कि जियान ने वास्तव में गोल्डन टावर को वहां पे अपेयर किया था जिसका साइज तो बड़ा नहीं था लेकिन इसने समय रहते उस एरो को रोक दिया था। दूसरा जियान भी हैरान रहता है कि वास्तव में ये टावर इतना मिस्टीरियस है क्या, पता नहीं है किस मेटल से बना है, लेकिन जो यान किसने जान बचा ली थी और इसमें खरोंच तक नहीं आई थी। तभी जान लाओ की आवाज आती है, तुम बच्चे काफी ज्यादा बेकार हो, और इसके बाद वो टावर गायब हो जाता है। इस टाइम पे तो जान लगभग मर सकता था, जिसके बाद वो कहते हैं अगर ये जोटा इस गोल्डन टावर की पोजीशन के लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में इस एरो को भी रोकने के लिए नहीं आ पाता। मैं केवल इस टावर के साथ ही तुम्हारी हेल्प कर सकता था लेकिन मैं तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं कर सकता, जिससे जॉन भी थोड़ा सा उदास होता है और वो पागलपन के तरीके से पावरफुल होना चाहता था क्योंकि बार बार की अनसक्सेसफुल होने के कारण जॉन काफी दुखी हो गया था। साथ ही वो अपनी टीम के ऊपर प्रेशर भी नहीं बनना चाहता था क्योंकि अभी अभी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसकी पूरी टीम समाप्त हो जाती। तभी सभी लोग यंग मास्टर जियो करते हुए जो यान को घेर लेते हैं। जियो जान जो कि काफी ज्यादा उदास होते हुए दिखाई देता है, वो तुरंत ही सबसे पहले मजबूत करते हुए सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड को अपेयर करता है। दूसरा ले सालोंग तुरंत कहता है मैं वास्तव में लॉर्ड को सिक्योर करने में सेफ नहीं रहा, कृपया मुझे माफ कर दें यंग मास्टर जियो। और ऐसा कहते हुए लेक सालोंग दुखी होते हुए अपना सिर झुका लेता है और कहता है वास्तव में यंग मास्टर जियो मेरे कारण काफी बार घायल हुए हैं, मैं जियो जान इसके लिए वास्तव में काफी एम्बेरेस हूँ। और सभी एक एक करके अपने अपराध को कबूलते हैं तो जियान सभी के ईमानदार चेहरों को देखते हुए कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पावर काफी कम है जिसके कारण तुम सबको भी पीछे हटना पड़ता है, और इस तीन ने अभी अभी मेरे साथ तुम सभी को ही लगभग बर्बाद कर दिया था। वास्तव में मुझे अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा चिंतित होना चाहिए। जिसके बाद जियान तुरंत ही एक पिल को लेकर उसे स्वॉलो कर लेता और अपनी पावर को धीरे धीरे रिकवर कर लेता है। तभी ले सालोंग कहते हैं यंग मास्टर जियो आपको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, आपके ऊपर आया हुआ खतरा हटाना हमारी जिम्मेदारी है, वास्तव में हम ऐसा नहीं कर पाए। दूसरा पेन बीच ने अभी काफी सारे एरोस को चार्ज किया था, इसलिए हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में एरो को चार्ज करने के लिए कुछ टाइम लगने वाला था। दूसरे टाइम पे जॉन बार बार सोच रहा होता है कि वो कई बार इंजर्ड हुआ है और कई बार उसने अपनी लाइफ को खतरे में डाला है, जहां हैमर बीस्ट के साथ फाइट करते हुए इंजर्ड हुआ था और यह दूसरी बार था। इस टाइम पे जॉन ले सालोंग और बाकी लोगों को देखता है तो उसे पता था इन्होंने दिल से उसे प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश की है, साथ ही उन्होंने उसे एज अ ब्रदर और एज अ मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे जॉन को भी बिल्कुल भाई और फ्रेंड की तरह उनके लिए अपने दिल में प्यार फील होता है जो कि हमेशा ही उसका ख्याल रखते थे। हालांकि जॉन भी उनके प्रति काफी उदार और ईमानदार व्यवहार करता था लेकिन जॉन को हमेशा लगता था कि वो उनके लिए कभी भी अच्छी मदद नहीं कर पाया और कई बार खतरों में पड़कर उसने लगभग कई बार सभी को खतरों में फंसा दिया था। जिसके बाद जॉन कहता आप सब मेरे भाई हैं, मैं तुम में से किसी को नहीं खो सकता। जॉन के चेहरे पे कमिटेड इंप्रेशन होते और जॉन की बात तो सभी के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ सा मारती और सभी की अचानक से ब्लड लाइन और खून खोलने लगता है, जिससे ले सालोंग तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जियो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियो यान इस टाइम पे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई भी किसी के भी पर्सन की लाइफ और डेथ को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता था और एक ही थॉट के साथ उसे मार सकता था, जिससे वो पर्सन हमेशा ही अपने मास्टर के लिए ऑनेस्ट और ईमानदार रहता था और कभी भी उन्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करता था, और यह अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने का काफी नॉर्मल तरीका था। साथ ही उन्होंने शायद ही कभी सुना था कि किसी मास्टर ने अपने स्लेव के ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया हो और उसकी लाइफ उसके हाथों दे दी हो। तो चलो गाइस अब इसी के साथ इसी चीज को यहीं पे एंड करते हैं और आगे का कॉन्ट्रैक्ट अब हम आगे पढ़ेंगे कि बाकी के सभी लोग के क्या रिएक्ट होते हैं और ये लोग कैसे बचेंगे। मुझे पता है आप सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाएंगे, जियान को गले से उठा लेंगे, दिल काफी खुश हो जाएगा, कहेंगे हमारा